अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई जगह, नया आइडिया और बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपके साथ मौजूद हैं और आज आपको एक नया बिज़नेस आइडिया देने जा रहे हैं। क्योंकि हमारी जो वीडियोस हैं, आमतौर पे हम लोगों को बताते हैं कि वो कौन सा कितने पैसों में बिज़नेस कर सकते हैं। तो आपने सुना तो होगा कि तैनू केड़ा सुरखाब दे पर लगे ने, और आज हम आपको वही सुरखाब दिखाने जा रहे हैं और वो सुरखाब साहब बैठे हुए। और सुरखाब इसको कहते क्यों हैं, क्योंकि इस परिंदे को अपनी जो खूबसूरती पे इतना नाज है कि ये इतना खूबसूरत है कि इसके प्राउड के तौर पे लिया जाता है। कि किसी को अगर अच्छे अल्फाज में कहना हो, किसी के लिए कोई प्राउड वर्ड यूज़ करने हो, तो उसको कहा जाता है कि तुम तैनू केड़ा सुरखाब दे पर लगे। और ये है वो सुरखाब का परिंदा, और यहाँ पे एक बहुत बड़ी तादाद में ये सुरखाब मौजूद हैं जो इंजॉय कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हमारे साथ इनको जिन्होंने रखा हुआ है, जवाद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि ये कहाँ से आपने ले आए और कैसे ख़रीदे, कितने में ख़रीदे, और अगर कोई बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनको रखना चाहे तो वो क्या उसको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट ज़रूरत है। अच्छा जवाद भाई, सबसे पहले तो बताइएगा कि कितने इकसाम के सुरखाब आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन 25 किस्म के बर्ड्स पड़े हैं फेजेंट्स में। उसमें मेरे पास लेडी एम्ब्रस्ट हैं, गोल्डन है, सेमी फायर बैक हैं, बोनियन फायर बैक हैं, बहुत अच्छे अच्छे फैज़न मेरे पास माशाल्लाह से पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये फैंसी बर्ड है, इसको खिलाते पिलाते क्या हैं, इनकी केयर क्या करते हैं? इनमें हम इसको पोल्ट्री फीड, गंदम, मकई, बाजरा, कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें देते हैं, जो तोतों के भी देते हैं वो भी मिक्स करते हैं इसमें खुराक में। ठीक है, तो जब इसको ब्रीडिंग का वक्त आता है वो कितने अरसे में ये तैयार हो जाता है, ब्रीडिंग कैसे होती है, कब होती है, वो थोड़ा सा बता दीजिए, और केयर क्या होती है? फैजेंट में तकरीबन 8 महीने में भी जवान हो जाते हैं कुछ फैजेंट, और कुछ तकरीबन 2 साल भी लेते हैं। तो ये मार्च में तकरीबन ब्रीड देना शुरू कर देते हैं। अभी मेरे पास वैसे भी मार्च का सीज़न शुरू होने वाले, ब्रीड माशाल्लाह से अभी आएगी मेरे पास। अच्छा, अक्सर लोग सोच रहे होते हैं कि वो परिंदों का या बर्ड्स का कोई बिज़नेस करें, लेट्स सपोज वो अगर ये सुरखाब का करना चाहें, तो ये क्या कोई महंगा बिज़नेस है? बहुत अच्छा शौक है, ये तो हर बंदा कर सकता है। इसमें काफ़ी सारे तकरीबन 8,000-6,000 से शुरू होते हैं फैजेंट्स, और फिर आगे जाते रहते हैं। मेरे पास तकरीबन 4.5 लाख तक माशाल्लाह से पड़े हुए हैं। अच्छा, ज़बरदस्त। और अगर कोई बिज़नेस करना चाहे ये वाला, उसको कितने ये जो है सुरखाब चाहिए होंगे, और उसके लिए कितनी उसे रकम चाहिए होगी? ये तकरीबन पटों से शुरू कर सकते हैं आप, रेनेक्ट से शुरू कर सकते हैं, गोल्डन से शुरू कर सकते हैं। रेनेक्ट बहुत सस्ता है, लोगों ने रखे हुए हैं, 500-500 पीस रखा हुआ है, 100 जोड़ों से 500-500 1,000-1,000 बच्चे ले लेते हैं। मैं उनसे ख़रीदता भी हूँ, तो इस्लामाबाद में काफ़ी सारे लोगों ने रखे हुए हैं फैजेंट रेनेक्ट। अच्छा, रिंग नेक, तो यानी कि अगर किसी के पास 20-25-30 हज़ार या 50 हज़ार रुपया हो, तो वो उससे ये शुरू कर सकता है। बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है, बहुत अच्छा बिज़नेस हो सकता है। उसमें बच्चे ले फैजेंट्स के, अगले साल वो तैयार हो जाते हैं, उससे ब्रीड ले, यानी कि एक साल बाद वो तकरीबन उस पर अगर 50 हज़ार किसी ने लगाया तो उस वो डबल हो सकता है। आराम से हो सकता है, उसमें मेहनत की ज़रूरत है, मेहनत करे तो वो फल पाएगा। तो इसकी को वैक्सीनेशन भी करनी होती है? मैं हर 2 महीने बाद वैक्सीन करता हूँ, इसमें एनडी है, आईबी है, गैलिम्यून लगाता हूँ, लेकिन बहुत कम ही एनडी की, सिर्फ गैलिम्यून लगाता हूँ। लोग काफ़ी सारे गैलिम्यून लगाते हैं, मैं सिर्फ एनडी की यूज़ करवाता हूँ। ठीक है, अच्छा ये ख़रीदने कहाँ से होते हैं, अगर कोई रखना चाहे तो उसको क्या बताएंगे, कहाँ से खरीदे, आपसे खरीद ले या कहीं और से मिलते हैं, या फार्मिंग होती है, क्या होता है, और इनको बेचने का क्या तरीका? मेरा तो काम ही फार्मिंग है, मैं तो हर फैजेंट दे सकता हूँ, हर किसी को, शौक के लिए भी दे सकता हूँ, बिज़नेस के लिए भी दे सकता हूँ। तो माशाल्लाह से मेरे अपने भी बहुत कस्टमर हैं, इससे मैं खुद परचेज़ भी करता हूँ, जिनको मैं देता हूँ उनसे मैं खुद परचेज़ भी करता हूँ। ठीक है, और ख़रीदार इसमें जो होते हैं, वो आम लोग जो घरों में रखते हैं, इसको घर में रखने के लिए रखा जा सकता है या काफ़ी सारे लोग हैं पिंडी इस्लामाबाद में, काफ़ी सारे लोग हैं जो उन्होंने छतों पर ये कारोबार शुरू किए हुए हैं, इसमें रख सकते हैं आप, रख सकते हैं। ये जी बता रहे थे जवाद भाई कि आप अगर ख़रीदना चाहते हैं, आपको जगह नहीं मालूम, तो शाला दिता केव जहाँ पे हैं हम, उस एरिया में हैं, और जवाद भाई का मैं आपको साथ कांटेक्ट भी शेयर कर दूंगा। अगर आप ख़रीदना चाहें तो आप इनसे भी ख़रीद सकते हैं, लोगों ने अपनी छतों पर रखे हैं, और ये बड़ा अच्छा बिज़नेस है, लेकिन इसमें मेहनत की ज़रूरत है, इसमें केयर की ज़रूरत है। इनको केयर देंगे तो फिर आपको ये प्रॉफिट भी देंगे, वरना ज़ाहिर है मेहनत नहीं करेंगे तो फिर वो मेहनत का जो फल है वही मीठा होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो यकीनन आपको फल मिलेगा। बस आप कोशिश कीजिए कि 50 हज़ार रुपये निकालिए, और आराम से एक साल बाद वो डबल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो ये था नाज़रीन आज का हमारा व्लॉग, अपनी दुआओं में याद रखिए, दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।